ओम ह्रीम अरहम रमो जिनाणम। दर्शन स्तुति प्रभु पतित पावन। शुरू की 8 पंक्तियों का अर्थ हमने पिछली कक्षा में देखा, आइए अब उसके आगे देखते हैं। छवि बीत रागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे वशु प्रातिहारे अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। उसने जैसे ही वीतराग सर्वग्रहंत महाप्रभु को देखा तो देखते ही क्या कहता, हे प्रभु आज का दिन धन्य धन्य हो गया, आज की यह घड़ी धन्य धन्य हो गई और मेरा यह जीवन धन्य धन्य हो गया। और प्रभु कैसे हैं, तो प्रभु को देखता है ऊपर से नीचे तक, अद्भुत। ये क्या है, छवि अर्थात आपकी छवि कैसी है, वीतरागी राग और द्वेष से रहत है। राग क्या, जो अच्छा लगने वाला है वो राग है, बुरा लगने वाला द्वेष है। अच्छा ये हमारे भक्त हैं, ऐसा देखते ही मुख प्रसन्न हो जाए, अरे ये भक्त नहीं है अभक्त हैं पापी हैं, उन्हें देखकर चेहरे पर सिकन आ जाए। नहीं ऐसा नहीं है, क्या कह रहे हैं कि छवि वीत रागी, ना राग है उनमें ना उनमें द्वेष है। भक्तों को देखकर वे प्रसन्न नहीं होते, अभक्तों को देखकर वे रुष्ट नहीं होते, ऐसे अलौकिक हैं हमारे प्रभु। कैसे हैं हमारे प्रभु, मंदिर कोई जाए तो अच्छा नहीं, कोई मतलब नहीं उन्हें, कोई नहीं जाता उससे भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। आप गए बड़े बड़े सोने चांदी की थाली भाल भर भर कर लेकर गए और द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, और आपने कोई भी एक चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया तो भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। ये हैं वीतरागी, ना नाराज होते हैं ना प्रसन्न होते हैं, ना आपको आशीर्वाद की मुद्रा में आशीष देते हैं ना ही किसी से रुष्ट होते हैं। नग्न मुद्रा, और उनकी मुद्रा कैसी है, नग्न है, वे परम दिगंबर हैं, उनके शरीर पर एक भी आडंबर नहीं है। ये उनकी वीतरागता और उनकी दिगंबर अवस्था देखकर ही दिशाएं उन्होंने अपनी अंबर मान ली हैं, एक तिल तुष मात्र धागा भी उनके शरीर पर नहीं है। मुद्रा कैसी है, नग्न है, जो बतला रही है क्या, वीतरागता बतला रही है कि अंतरंग में कोई विकार नहीं है, और बाहर की नग्न मुद्रा बतला रही है बाहर में भी कोई विकार नहीं है, ना कोई त्रिशूल है न कोई धनुष है न कोई बाण है, किसी पर कोई गुस्सा दिखलाने का कोई चिन्ह उनके पास नहीं है। कैसा स्वरूप है उनका, वीतरागाय परम दिगंबराय, कैसे हैं, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। तो कैसे सुंदर दिख रहे हैं, हाँ छवि से जो वीतरागी हैं, नग्न जिनकी मुद्रा है, और क्या कर रहे हैं, दृष्टि नासा पे धरे, और उनकी दृष्टि हमेशा नासा के अग्रभाग पर स्थित है। वो ये नहीं देखते, अच्छा अच्छा आप आ गए, हाँ हाँ नैनपुर वाले हो, ऐसा देखते नहीं वो, अरे वो क्यों नहीं आया इतने दिनों से, ऐसा भी वे नहीं देखते, और हम गए कि नहीं गए ये भी वे नहीं देखते। वसु अर्थात 8, प्रातिहार्य अर्थात प्रातिहार्य, 8 प्रातिहार्यों से क्या क्या है अभी उनके पास, तो 8 प्रातिहार्य हैं,
अनंत गुण युत, युत भी बोल सकते जुत भी बोल सकते, दोनों में बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। तो आठ प्रातिहार हैं और अनंत गुणों से वे युक्त हैं, कोटि अर्थात करोड़ों, करोड़ों रवि अर्थात सूर्य की, छवि अर्थात प्रकाश को हरे हरने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं। करोड़ों करोड़ों सूर्यों का जो प्रकाश है उससे भी अधिक वे प्रकाशित हैं। तो क्या कह रहे हैं, वसु प्रातिहार, आप आठ प्रातिहारियों से युक्त हैं। ये आठ प्रातिहार क्या है, ये आठ प्रातिहार उनके अंतरंग की अनंत शक्ति का द्योतक बाहर में बतलाने वाला वैभव है। क्या है वो वैभव, तो सिंहासन, जिस सिंहासन पर वे चार अंगुल ऊपर विराजते हैं। कैसा है वो सिंहासन, मणियों से खचित है, सोने का सिंहासन है, उससे वे चार अंगुल ऊपर विराजमान है। फिर उनके मस्तिष्क के पीछे उनसे 12 गुनी ऊंचाई वाला एक विशाल काय अशोक वृक्ष है, जिस वृक्ष की छाव में जो भी आता है वो शोक से रहित हो जाता है, उसका दुख तकलीफ टेंशन खत्म हो जाता है, इसलिए उसका नाम है अशोक वृक्ष। फिर उनके पूरे बॉडी के चारों तरफ से किरणें जैसी निकल रही हैं, ये उनका भाव मंडल है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, ओरा जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अभी वर्तमान में वो ओरा कहाँ दिखाई देता है, केवल चेहरे के पीछे लगा होता है, लेकिन ओरिजिनल जो भाव मंडल है पूरी बॉडी के चारों ओर एक अलौकिक दिव्य तेज के समान दिखाई दे रहा है। और क्या है, और उनके छत्र छिर सिर पर तीन छत्र हैं। वे कैसे हैं, वे तीन छत्र इस प्रकार हैं, गुरु लघु लघुतम, गुरु लघु लघुतम अर्थात पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ऐसा तीन छत्र जो उन्हें तीन लोक के स्वामी होने की स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। फिर इस तरफ 32 और इस तरफ 32, ऐसे 64 चवर ढुर रहे हैं देवगण, 64 चवर ढुराकर उनकी भक्ति कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, अलौकिक देवलोक में जो पृथ्वी का एक पुष्प है, उन पुष्पों की वृष्टि निरंतर होती चली जा रही है। और क्या हो रहा है, और उनके मुख से ओमकार की ध्वनि निकल रही है, और दोनों तरफ देवगण जोर जोर से नगाड़े बजाकर कह रहे हैं, जय हो जय हो जय हो, देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो आओ जी। इसका नाम है दुंदुवी। कैसे, सिंहासन अशोक वृक्ष छत्रत्रय चम्रत्वय भावमंडल ओंकार दिव्य ध्वनि देव दुंदुवी और पुष्प वृष्टि, इन अष्ट महाप्रातिहारियों के महान वैभव से वे प्रभु युक्त विराजमान हैं। अब आप जब दर्शन करने जाओ तो इन आठों प्रातिहारियों को महसूस करो। भैया जी हमारे मंदिर में तो है ही नहीं आठों एक साथ, तो हम क्या करें, आप उन प्रभु की मुद्रा को देखकर आठों का बहुत सुंदर चिंतन करें। उस चिंतन की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में उस अष्ट प्रातिहार चिंतन को अच्छी तरह देखें सुने समझें और फिर उसे प्रैक्टिकली रोज अप्लाई भी करें। जब आप दर्शन करें तो आठों को महसूस करें। सिंहासन, हाँ उस पर भगवान विराजित हैं, भगवान के सिर के पीछे अशोक वृक्ष है, जो उनकी छाँव में आ रहा है वो सब टेंशन दुख शोक से दूर होता चला जा रहा है। भगवान के मस्तिष्क के पीछे एक घूमता हुआ चक्र जैसा है जो भाव मंडल है। उनके सिर के ऊपर तीन छत्र हैं, दोनों तरफ 32 32 ऐसे 64 चवर ढुर रहे हैं, जो भगवान 64 रिद्धि के स्वामी हैं सो हमें बतला रहे हैं। और ऊपर से पुष्पों की वृष्टि हो रही है
उनके मुख से ओमकार की ध्वनि निकल रही है और जय हो जय हो जय हो की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये देव दुंदुभी ऐसे अष्ट महाप्रातिहारों का चिंतन करें। अष्ट प्रातिहारों का क्या वैभव है इस पर यदि आप सबकी इच्छा होगी, आप सबका मन है, तो आप इसी वीडियो के लिंक में कमेंट में हमको, पहले तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको जो पूरा पूर्व में चिंतन किया गया वो आपको दे रहे हैं, आप उसको सुने समझें। फिर आप चाहते हैं कि ये हम लोगों को प्रैक्टिकली एक बार मिले, तो आप लोगों को इसी वीडियो के कमेंट में हमको सूचना देनी है, तो हम आपको एक सेशन अष्ट प्रातिहार के चिंतन का देंगे, जिससे आप अपने जीवन में इन अष्ट प्रातिहारियों की ऊर्जा को कैसे ग्रहण करें वो बतलाएंगे। फिर कहते हैं अनंत गुण युत या अनंत गुण जुत, जुत और युत एक ही बात है, ठीक है। अनंत अर्थात अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसे अनंत गुणों से वे युक्त हैं। वास्तविकता में यहाँ अनंत चतुष्टय की बात चल रही है, भगवान अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, अनंत शक्ति के स्वामी हैं। इन्हें कहते हैं अनंत चतुष्टय। चतुष्टय मतलब चार, अनंत मतलब जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसी उनकी आत्मा की जो अनंत शक्ति थी वो प्रकट हो गई है, उस प्रकट शक्ति से ही भी अनंत गुणों से युक्त विराजमान है। कैसे लग रहे हैं, जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो, करोड़ों सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है। कभी आप दर्शन करो जब भगवान के, तो ऐसा महसूस करो जैसे करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फीका पड़ गया। इतनी सुंदरता, इतनी चमक और इतनी सौम्यता भगवान की इस दिव्य आभा में मिली हुई है, जो हम सबके कल्याण का कारण बन रही। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार ध्वांतनाशनम, क्या कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान रूपी सूर्य का दर्शन क्या करता है, संसार के अज्ञान का मोह का ध्वंस अर्थात नाश कर देने वाला है। दर्शनम जिन सूर्य से संसार ध्वंस नाशनम बोधनम चित्त पद्मस्य, और चित्त रूपी पद्म को जो खिला देने वाला है अर्थात मेरे हृदय रूपी कमल को खिला देने वाला है, और समस्तार्थ प्रकाशनम संपूर्ण अर्थ को अर्थात पदार्थों को वस्तुओं को प्रकाशित कर देने वाला है। आगे क्या कहते देख नेक्स्ट पंक्ति, मिट गयो तिमिर मिथ्या तुमिरो उदय रविया तम भयो मो और हरस एसो भयो मनुरंक चिंता मणि लयो। मिट गयो अर्थात समाप्त हो गया है, तिमिर अर्थात अंधकार, कौन सा अंधकार, मिथ्यात्व। हे प्रभु, आपके इस दिव्य स्वरूप का, अलौकिक स्वरूप का दर्शन करके मेरा मिथ्यात्व समाप्त हो गया। मिथ्यात्व अर्थात गलत धारणाएं, बुरे विचार, विसा धीरे धीरे नष्ट हो गए। और क्या हो रहा है, मो मेरो उदय रवि आत्म भयो, और मेरी आत्मा में सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश हो गया है। अब मुझे बाहर के उजाले की आवश्यकता नहीं, मेरी तो आत्मा में ही सम्यक ज्ञान का उजाला आ गया। और हे भगवान, आज मुझे इतनी खुशी है, इतना आनंद है कि मो उर अर्थात मेरे हृदय, उर मतलब होता हृदय में, हर्ष मतलब हर्ष, ऐसो भयो ऐसा हुआ मनु मानो रंक अर्थात भिकारी चिंतामणि लयो, चिंतामणि रत्न को पा लिया हो। हे भगवान, मुझे आज आपका दर्शन करके इतना हर्ष है, इतना आनंद है, इतना उत्साह है, इतनी उमंग है, जैसे जन्मों जन्मों के किसी भिकारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो।
चिंतामणि रत्न क्या करेगा, उसके सामने जो इच्छा करेगा वो सब पूरी हो जाएगी। मुझे पता चल गया आज आप मिल गए हो, मतलब मुझे सब कुछ मिल गया, अब मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके सामने कुछ याचना की कोई वस्तु नहीं, या तो बिन मांगे सब मिलना है, फिर मांगना क्या, नहीं कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या कहते हैं आगे देखते, मैं हाथ जोड़ नवाऊ मस्तक मीनवहु तुम चरण जी सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जी सुनहु तारण तरण जी। मैं हाथ जोड़ नवाऊ मस्तक, हे भगवान आपकी इस महिमा को मैं दोनों हाथों को जोड़ कर और नवाऊ मस्तक माथे को नवाता हूँ। हाँ बहुत सारे महापुरुष मंदिर में जाते तो क्या करते, गए और चावल फेंके और अपने घर को वापस आ गए, नहीं बड़ी श्रद्धा के साथ जैसे ही जिनेन्द्र भगवान का जिनालय दिखा, क्या दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, जिनेन्द्र भगवान का जिनालय देखते ही मेरे भवों का ताप मिट गया। जहां से वो मंदिर पहला दिखा, पहली नजर उस मंदिर से मिली, वहीं से हे भगवान जय हो जय हो जय हो। भगवान देखते ही हाथ खुले नहीं चाहिए, जैसे राजा महाराजा के सामने आप गए हो तो क्या करते हो, बड़ी विनम्रता बड़ी शालीनता से एक एक कदम बढ़ाते हो, तो ये तो तीनों लोगों के अधिपति हैं, अरे भगवान कुछ कह नहीं रहे, मूर्ति है कहेंगे थोड़े ना, हाथ पकड़ के रोक थोड़े ना देंगे अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे, नहीं ऐसी भावना नहीं, ये सोचो जैसे साक्षात तीन लोक के अधिपति त्रिलोकाधिपति तीन लोक के नाथ साक्षात विराजमान है। जब छोटे से राजा मंत्री प्रधानमंत्री विधायक और कलेक्टर के सामने जब हम इतने अच्छे से पेश आते हैं, तो तीन लोक के अधिपति के सामने हमें कैसे रहना है, ये शालीनता ये संभवताएं हमें अपने अंदर विकसित करनी है, तब जाकर मंदिर में उनकी भक्ति पूजन पाठ कर पाओगे। अन्यथा क्या सोचोगे, अरे पत्थर की मूर्ति है हमारा क्या बिगाड़ लेगी, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। पुण्य का संचय कब होगा, जब उस प्रतिमा को साक्षात भगवान मानोगे। कैसा भगवान है वो, बोलते तो कुछ है नहीं देते तो कुछ है नहीं, तो कैसे हैं, देखो एक बार एक बालक था छोटा सा, और छोटा सा बालक खेलते खेलते अपनी माँ से कहता, माँ मुझे चंदा मामा चाहिए। माँ कहती है बेटा सुनो चंदा मामा अभी नहीं आएंगे, चंदा मामा तो बहुत दूर हैं। नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और जिद करने लगा। अब मम्मी क्या करती, मम्मी तो परेशान। अब मम्मी के दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि उसकी मम्मी तो 12-10 वर्षीय पाठ्यक्रम में पढ़ती थी, तो बड़ी बुद्धि से चतुर थी और बड़ी ज्ञानी भी थी, तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और बोली बेटा अभी तू भोजन करके सो जा, शाम को चंदा मामा से मिलाएंगे। बच्चा भी खुश हो गया कि शाम को मामा आएंगे, और नियोग से वो दिन पूर्णिमा का था, तो माँ ने क्या किया, एक थाली में पानी भर के छत पर रख दिया, और जैसे ही शाम हुई तो चंदा मामा थाली में आ गए। बच्चे ने खूब खेला खूब हर्षित हुआ और थक हार के सो गया। क्या हुआ, अरे चन्ना मामा जहां थे वहां थे, लेकिन थाली में कौन था, तो बालक अपने हृदय से कह रहा है चन्ना मामा आए थे, मैंने चन्ना मामा के साथ खूब खेला खूब मजे किए खूब आनंद किए। ऐसे ही क्या हुआ, जब एक जिनेन्द्र भगवान का भक्त मचल गया भगवान धरती पर आओ, तो जिनवाणी माँ कहती है बेटा भगवान लौट कर नहीं आएंगे। भगवान कहाँ गए, भगवान तो सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, वे तो लौट कर नहीं आएंगे। बस बालक सुनाओ मचल गया, क्या कहता है, नहीं नहीं हमको तो हमारे भगवान चाहिए, महावीर स्वामी चाहिए। अब महावीर स्वामी तो लौट कर आएंगे नहीं, तो क्या करे, तो जिनवाणी माँ कहती है सुनो अभी थोड़ी देर रुको, हम भगवान को लाते हैं, और उन्होंने जिन बिंब में ही
भगवान की प्रतिष्ठा कर दी और दिखा दिया कि जैसे साक्षात सिद्धालय में सिद्ध भगवान महावीर स्वामी बनकर विराजे हैं, वैसे ही आपके मंदिर की वेदी पर साक्षात अरिहंत प्रभु भगवान महावीर अरिहंत अवस्था में विराजे हैं। तो जैसे साक्षात भगवान महावीर स्वामी जब इस धरती पर आज से 2600 साल पहले विचरते थे, वैसे ही हम अपनी आंखों को खोलकर उन महावीर स्वामी को देखते हैं और उनका बालक भक्त क्या करता, अभिषेक कर पूजा करके उनके चरणों को छूकर आनंद मनाता है। क्या करता है कि पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो थ्यारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुणगान ते। बार बार क्या कहता है, सुनो जैसे भाग्य किनके नहीं थे, सुरपति के नहीं थे, गणधर इंद तिने ना छू पाते, हम आज उन्हें सिर पर धरते, हम आज उन्हें है छू पाते। साक्षात सौ धर्मेंद्र को भी अरिहंत भगवान को छूने नहीं मिलता, साक्षात गणधर परमेष्ठी भी अरिहंत भगवान को नहीं छूते, लेकिन भक्त अपनी भक्ति की ताकत के बल पे कहता है, क्या कहता है कि सुरद गणधर इंद्र तिने ना छू पाते, हम आज उन्हें है छू पाते। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी मजबूत है कि साक्षात सिद्धालय में प्रभु विराजमान है, लेकिन मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति मेरी स्थापना निक्षेप के बल पर वे भगवान मेरे मंदिर में विराजमान। बोलो आपसे कोई पूछता क्यों भाई आपके मंदिर में कौन से भगवान है, तो आप ये तो कभी नहीं कहते पत्थर के की पीतल के, आप तो हमेशा ये कहते पार्श्वनाथ भगवान विराजमान। अरे अगर आपके मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान है तो फिर बनारस में जो मंदिर है भेलूपुर में वहां कौन है, सम्मी शिखर मधुबन में जो पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है वहां कौन है। तो फिर भक्त कहता है जैसे एक ही चंद्रमा अलग अलग थालियों में आनंद देता है, वैसे ही सिद्धालय में विराजमान वे पार्श्व प्रभु तो एक ही हैं, सो साक्षात सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन भक्ति की भक्ति के भगवान हर मंदिर में विराजमान हैं। ऐसी विशुद्धि बनेगी, आप अब भक्ति करना तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा, एहलाद आएगा और धीरे धीरे परमानंद झलकने लगेगा। आगे क्या कहते हैं, मैं हाथ जोड़ नवाऊ मस्तक, हे भगवान मैं हाथ को जोड़कर अपने मस्तक को झुकाता हूं, ये उत्तम अंग है, सबके सामने नहीं झुकता, सुनो ये अच्छे अच्छों के सामने नहीं झुकता, दुनिया की कोई ताकत कोई पैसा कोई रुतवा इस मस्तक को झुका नहीं सकता, हे भगवान आप ही हो, कौन तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट हो, त्रिलोकाधिपति हो, और आपसे हमें समझ में आ गया इससे बड़ा कोई श्रद्धा का स्थान नहीं, इसलिए आज मस्तक हम यहाँ झुकाने आए। और तीन तीन बार बड़ी श्रद्धा से खड़े होकर इस प्रकार तीन बार आवर्त करता है, तीन बार दंड देता है और तीन बार झुककर उन भगवान को नमस्कार करता है। कैसे करता है, देखो अच्छी तरह खड़े होकर इस तरह से तीन बार यूं हाथ को घुमाता है, फिर क्या करता है, फिर उसी स्थान पर बैठकर अपने मस्तक को जमीन में लगाकर नमस्कार करता है, फिर व्यवस्थित खड़े होता है, फिर तीन बार हाथ को घुमाता है, फिर उसके बाद बैठता है, फिर नमस्कार करता है, फिर खड़ा होता है, फिर तीन बार हाथ को घुमाता है, फिर नमस्कार करता है। अरे भैया जी इतनी कठिन वंदना है, हमारा तो पैर घुटने कमर कोई काम ही नहीं करते, कैसे काम होगा। तो जो भगवान की भक्ति इस व्यवस्था के साथ जीवन पर्यंत करेगा उसके सारे रोग अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और अब हो गए हैं रोग तो क्या करे, तो थोड़ी संभल के करे, ठीक है चल आगे। तो विनवो अर्थात विनती करता हूं तुम चरण जी आपके चरणों में, मैं आपके चरणों में एक विनती करता हूं। क्या है विनती, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, हे भगवान आप तो सर्वोत्कृष्ट हैं, सभी में सबसे श्रेष्ठ हैं, त्रिलोकपति तीनों लोकों के अधिपति हैं, ऊर्ध्वलोक अर्थात स्वर्ग
मध्यलोक अर्थात मनुष्यलोक और नीचे अधोलोक पाताल नरक आदि इन सब के आप अधिपति हैं। जिन अर्थात आपने सब कुछ जीत लिया है, सुनो सुनिए हमारी विनती को। क्या है वो विनती? तरण तारण तरण जी अर्थात संसार समुद्र से हमको पार लगाने वाले क्या कहते विनती में, जांचू नहीं सुर बास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुध जांचहुं तुम भक्ति भव भव दीजिए शिव नाथ जी। कि हे भगवान जांचू नहीं, जांचू मतलब मांगना, याचू जांचू शब्द है, याचू मतलब मांगना। तो कहते मांगू नहीं भगवान, मैं नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? सुरवास स्वर्गों का पद नहीं मांगता मैं, इंद्रों की विभूति स्वर्गों का वैभव देवों का पद नहीं मांगता। पुनि और नर अर्थात मनुष्य संबंधी, राज अर्थात चक्रवर्ती राजा अधिपति मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कलेक्टर आदि की विभूतियों को भी मैं नहीं मांगता। फिर राज परिजन साथ जी और मैं अपने परिवार का साथ भी नहीं मांगता कि भगवान ये बने रहें तो हम बने रहेंगे, ये रहेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा, इसलिए ये सब लोग बने रहें, उनका साथ भी मैं नहीं मांगता। जांचू नहीं मांगता स्वर्गवास अर्थात स्वर्गों का निवास देवलोक देवों का वैभव नहीं मांगता। और हे भगवान मैं मनुष्यों के सुख मनुष्यों के राज्य और मनुष्यों में परिजनों का साथ भी नहीं मांगता। बुध अर्थात बुद्धजन कवि जिन्होंने इसको लिखा उसके लेखक कौन है? बुद्धजन। तो बुद्धजन कवि क्या कहते हैं? बुद्धजन कवि वर बुद्धजन राज जी कहते हैं जांचू मांगता हूं। क्या मांगता हूं? तुम भक्ति भव भव, हे भगवान आपकी भक्ति मुझे भवो भवो तक मिले। अरे हाँ, अगर मैं संसार में जब जब लौट कर आऊं तब तब तेरी भक्ति पाऊं, जिस गति में जहां मैं रहूं बस तेरी भक्ति करता रहूं, क्योंकि मुझे पता चल गया। क्या चल गया? आप ही तो शिवनाथ हैं, आप ही तो महाकाल हैं, आप ही तो महादेव हैं, आप ही तो देवाधिदेव हैं। हे जिनेंद्र भगवान तीनों लोगों के आप एक अधिपति हैं, इसलिए हम तो आपकी भक्ति दीजिए। कब तक के लिए मांग रहे हैं? भवे भवे दिने दिने। हम लोग क्या भैया जी संडे के दिन बस चले जाते मंदिर, दूर है। ये क्या कह रहे हैं? भवों भवों को जन्म जन्म तक भक्ति करनी है। कब तक? जब तक हम स्वयं भगवान नहीं बन जाएंगे उस दिन तक आपके दरबार पर रोज रोज आएंगे। दिन में जब जब मौका मिलेगा तब तब हम आएंगे। क्या भावना आएंगे? जिनेर भक्ते जिनेर भक्ते जिनेर भक्ते दिने दिने सदामेस्तु 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 भवे 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 भवे। अरे जन्मों जन्मों में कुछ मिले तो क्या मिले? जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो। कब हो? दिने दिने प्रतिदिन हो प्रतिदिन हो। कब तक हो? भवे भवे जन्मों जन्मों तक मिलती रहे। या तो भगवान इस जन्म से हम यहाँ से मरण करके स्वर्ग जाएं, वहां से आके मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएं, अगर मोक्ष नहीं जाएं तो जहां रहें वहां आपकी भक्ति करते रहें। हम तो थक गए भक्ति करते करते। कब से कर रहे हो? पता नहीं। तो क्या कहा? यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। भक्ति तो की लेकिन भावों से नहीं की, इसलिए उसने फल नहीं दिया। अगर भक्ति एक बार विशुद्ध परिणामों से की होती महान फल को देने वाली होती। तो इसको अच्छी तरह स्तुति को हमने पढ़ा। अब हमारा भाव निरंतर दिन प्रतिदिन और विशुद्ध और निर्मल और सुंदर होता चला जाए। हम रोज भगवान की भक्ति हृदय से करें और बस एक भावना कि दुनिया का कितना दुख कष्ट संकट शोक सब आ गया हो तब भी हमारा चित्त उनकी भक्ति में थोड़े से समय के लिए रोज लगना चाहिए। हम सबसे कहते हैं कि जीवन में संकल्प आप एक बनाओ
कि दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य कोई है, वो है प्रभु की भक्ति करना। आप पूरे घर का काम हो जाएगा, फिर टाइम मिलेगा तो मंदिर हो आएंगे। अब भगवान के मंदिर में बैठे भागेंगे थोड़ी ना, ये हमारे हृदय में भावना भर गई। भगवान थोड़ी ना भागेंगे, वहीं तो हैं, शाम को जाएंगे तो मिल जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे तो कौन से भगवान घर आके कहेंगे कि हम आज तुम आए नहीं थे तो हम अष्टमी चतुर्दशी को आया तो करो कम से कम। भगवान ने तो कहा नहीं, तो भगवान तो परेशान हो करेंगे नहीं। कोई देवी देवता होते तो फिर भी आपके यहाँ अष्टमी चतुर्दशी पहुंच जाते कि क्यों भाई अष्टमी का श्रीफल नहीं आया। अब भगवान तो बड़े शांत प्रशांत रूप आए, दिगंबर आए, तो वो तो परेशान करेंगे नहीं। अब वे परेशान करते नहीं, हम परेशान होते नहीं, तो फालतू में फिर मंदिर जाके क्यों परेशान होना। ऐसी भावना से भर गए हैं, तो क्या करते, जब पूरा काम हो जाएगा तब 11 बजे सोचेंगे कि मंदिर जाना है कि नहीं जाना। नहीं, रोज संकल्प बनाओ कि सुबह उठते ही सबसे पहले देखूं तो जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, कि मेरी आंखों की खिड़की जब खुले तो ये भगवान आपका दर्शन हो जाए। तो सबसे पहला लक्ष्य जीवन का जिनेंद्र भगवान का दर्शन, और संभावना बने तो दिन भर जब पूर्ण हो जाए तो शाम को फिर उन भगवान की भक्ति करने जाओ और उनसे कहो हे भगवान आज का दिन आपके शासन की सेवा में आपकी आज्ञा अनुसार व्यतीत हुआ, मैं धन्य धन्य हो गया। हे भगवान अनंतों आभार, अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद। हे भगवान कल का यदि सूरज देखूं तो सबसे पहले आपका मुखड़ा देखूं। और जैसे ही सुबह उठो सो के तो क्या करो, सबसे पहले मोबाइल देवता को देख लो, ठीक है। अब मोबाइल देवता के दर्शन कर लिए, अब मोबाइल देवता में देखा आज सब लोग सुरक्षित हैं, हाँ मायके से कोई फोन नहीं आया, मतलब वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई, ससुराल में किसी का फोन तो नहीं आया, किसी की कोई गड़बड़ नहीं, आजू बाजू में देख लिया पतिदेव सब सुरक्षित हैं, बच्चे सब सुरक्षित हैं, बस एक बार हाथ जोड़ के कहो भगवान धन्यवाद आपका, एक दिन और अच्छे से मिल गया भक्ति करने को। क्यों, कितने लोग थे, हाँ पूरे 7 अरब में से जितने सोए थे उनमें से लाखों लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, हजारों लोग आपके पास पहुंच गए हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ, सब स्वस्थ हैं और सब आज हम सब परिवार मंगलमय आपकी भक्ति पूजन अभिषेक और धन्यवाद ज्ञापित करने जल्दी से आते हैं। ये भावना के साथ अपने कार्यों में लगो, रोज ये सोचो कि ये जीवन मिला उनकी भक्ति करने। मैं हमेशा कहता हूँ जो महिलाएं बहुत अच्छी तरह अपनी जिंदगी को सेटल कर चुके हैं, जो महिला पुरुष, उनको तो अपने जीवन का सबसे पहला लक्ष्य ही भगवान की भक्ति बनाना। जो लोग बेचारे पाप कर्म के उदय से यहाँ वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ के कामों में उलझे हुए हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं, आप तो जो अच्छी तरह घरों में सेटल्ड हैं, व्यवस्थित रहते हैं, उनका तो उद्देश्य और लक्ष्य एक ही होना चाहिए, हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी। मंदिर यदि दूर है और शाम को मंदिर नहीं जा पाते तो शाम को अपने घर में ही भक्तामृत स्त्रोत का पाठ करो, एक कोई माला फेरो, भक्तियों का पाठ करो, ये सब काम निरंतर करते रहने चाहिए। अष्ट प्रातिहार का चिंतन आपको दिया जाएगा बाद में, जिनेंद्र भगवान की वंदना कैसे करनी उसकी पूरी विधि आगे आपको बतलाई जाएगी। आज आपको उसके भाव बतलाए, आपको कैसे लगे, या जगत को बताना, हमको नहीं बताना, हमको पता है कि आपको कैसे लगेंगे, लेकिन आपको उन्हें इस वीडियो के माध्यम से दूसरे लोगों को इसे प्रेषित करके उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति, क्योंकि मंदिर तो सब जाते हैं लेकिन ऊब जाते जाते जाते, रोज तो जाते वही भगवान है वही मंदिर है, करेंगे क्या। तो आपको कुछ नया उत्साह इस वीडियो के माध्यम से अवश्य मिलेगा, जिससे आपकी भक्ति और श्रद्धा बढ़ेगी। ओम सिद्धम अरहम प्रमो जिनारम।